लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहा नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया था मैं, टूट चुका था मैं, पर मुझे मुझे यकीन था एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, जरूर मिलोगी। वाह, मिले भी तो कैसे, एक चोर की तरह। चोर? मेरी तो किस्मत ही खराब है पार्वती। उस दिन जो कुछ किया था तो औलाद की खातिर, और आज भी जो कुछ कर रहा हूं तो औलाद की खातिर। ये कैसे अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गई पार्वती तो हमारे बेटे को फांसी हो सकती है। ये कैसे हमारे बेटे की मौत है पार्वती। और ये कैसे मेरे इस बेटे की जिंदगी है। मगर ये बेटा तुम्हारा नहीं है पार्वती, ये तो सिर्फ राय बहादुर का बेटा है। मैं तो सिर्फ इस बेटे को जानती हूँ जिसकी वजह से मैं 20 साल से जिंदा हूँ। ये कैसे मुझे दे दो वरना अनर्थ हो जाएगा। आज तक जो होता रहा इससे ज्यादा अनर्थ और क्या होगा। मुझे सेठ जी का पता बता दो ताकि मैं उनकी अमानत उन्हें लौटा दूं। शायद मेरे इस करने से भगवान मेरे पति के गुनाहों को माफ कर दे। मुझे माफ कर दे पार्वती, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार। ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए। शायद अमर जाग गया है, आप चाहिए यहाँ से। अच्छा पार्वती मैं जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ पार्वती, सेठ जी को उनकी अमानत जरूर वापस मिलेगी, जरूर वापस मिलेगी। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। माँ, कह दे माँ, जो कुछ तूने कहा है वो झूठ है। ये सब सच है बेटा, ये सब सच है। महलों का चिराग है तू, जो आज तक इस गरीब की झोपड़ी में जलकर रोशनी करता रहा। रोशनी तो तू है माँ, जिसने तेल की तरह जल जल कर इस दिए को रोशन किया। दिन रात भूखी रही, प्यासी रही, अपना अपना पेट काट काट कर मुझे खिलाती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया। मां, मुझे अपनी नजरों से दूर मत करना वरना तेरा ये बेटा जीते जी मर जाएगा। ऐसा मत कहो बेटे, मेरी उम्र तुझे लग जाए।
हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। हमारा बेटा जिंदा है और तुमने हमें आज तक इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम्हारे बेटे का ऐशो आराम न छिन जाए। आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मालिक, मैं तो खुद अपनी प्रायश्चित की आग में जल रहा हूं। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि मरने से पहले एक बार मुझे अपने मालिक से मिलने के लायक बना दे, ताकि देवता समान मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मुझसे माफी की उम्मीद करते हो? अरे भगवान चाहे तो वो भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। आप ठीक कह रहे हो मालिक, सजा तो भगवान मुझे दे ही चुका है। जिस औलाद को मैं होनहार बनाना चाहता था वही खूनी मुजरिम बन गया है। खूनी मुजरिम? किसका खून किया है उसने? खून किया है आपके जज्बातों का, खून किया है आपके बेटे की मोहब्बत का, खून किया है उसने कॉलेज के एक लड़के का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, उसने कॉलेज के एक लड़के का खून करके भोली भाली प्रिया को अपनी खूनी साजिश में फंसा लिया है, ताकि प्रिया अमर को छोड़कर उससे शादी कर ले। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मालिक, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके बेटे का हक उसे दिलाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। क्या बकवास कर रहे हो टाइगर? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम राय बहादुर लक्ष्मी नारायण के बेटे नहीं हो, बल्कि उनका असली बेटा इंस्पेक्टर अमर है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा ही है, इससे पहले कि वो बुड्ढा अपनी जायदाद अमर के नाम कर दे। टाइगर! बेटे, पापा, बेटे, मेरे बेटे, पापा, ये क्या रो रहे हैं आप? मुझे रोने दे बेटे, रोने दे। बरसों से मैंने आंसू दबा कर रखे हुए थे, बहने देने, बहने दे। नहीं पापा, बेटे, टूट गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था बेटे। हाँ, बिल्कुल अकेला। देख लक्ष्मी, ये तेरा बेटा है, तेरा अपना खून। अरे आज तेरी मां जिंदा होती ना, तुझे देखकर फूले नहीं समाती। देख लक्ष्मी, कितना होनहार है तेरा बेटा, कितना होनहार है। भगवान, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। पापा, पापा विक्की, मुझे मालूम है उसने खून किया है। इस वक्त घर में नहीं है, जैसे ही आएगा मैं उसे कानून के हवाले करूंगा। हां बेटे, हां मेरे बेटे, मुझे अरेस्ट करवाएगा? मुझे? इसलिए कि आज तेरा असली बेटा मिल गया है और मैं तेरा असली बेटा नहीं हूं? अच्छा हुआ तू मेरा असली बेटा नहीं है। अरे मेरा खून किसी का खून नहीं कर सकता। अरे तू तो हत्यारा है, तूने एक इंसान का खून किया है, बाप के जज्बात का खून किया है। अरे भगवान तुझे ऐसी सजा दे। भगवान जब सजा देगा तब देगा। अगर आज और अभी इसी वक्त तूने इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं किए तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो आज तक एक बेटे ने अपने बाप को नहीं दी होगी। क्या है ये? ये स्टैम्प पेपर है, इसमें लिखा है कि आप अपने दयालु हाथों से
अपनी सारी जायदाद विकी के नाम कर रहे हैं। लीजिए लिख दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा ही होगा बड़े, नहीं तो हुआ तो खुद ही आ गया। पागला से अमर, तूने अपने बाप पर हाथ उठाया? अरे सौतेला ही सही, लेकिन 20 साल से तेरे पापों के बोझ को उठा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बांध दो इनको। अब अगर जरा सी भी देर की साइन करने में तो तेरी आंखों के सामने तेरे इस लाडले बेटे को गोली मार दूंगा जिसके लिए तू 20 साल से तड़पा है। मैं तो कहता हूं राय साहब, अब साइन कर ही दीजिए। नहीं पापा, कोई उल्टे सीधे पेपर साइन मत करना। अरे जाने दे इस जायदाद को, असली जायदाद तो तू है मेरी। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटे, इन दोनों को ऐसी मौत देना कि कांधा देने के लिए लोगों को तकलीफ ही ना हो। गुड। ये बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। 10 मिनट में तुम लोगों की कहानी का खेल खत्म। खेल कब शुरू होता है और कब खत्म, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम लोगों का खेल खत्म किए बिना मैं मरूंगा नहीं। जितना बोलना है बोल ले, 10 मिनट के बाद तो बोलने के लायक नहीं रहेगा। चलो एक ही चला। चलो ये किस्सा तो खत्म हुआ। आज तुमने मेरा साथ देके मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है टाइगर। अरे बेईमान बेईमान का साथ नहीं देगा तो बेईमानी का क्या होगा बरकरदार। बैठो बैठो। अब तक तो उन दोनों बाप बेटों का काम खत्म हो गया होगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बोलिए बोलिए। इन कागजात पे दस्तखत कर दो। क्या लिखा है इनमें? हमारी बेईमानी का छोटा सा मुआवजा। इसमें लिखा है कि अगर तुम 50 लाख रुपए हमें 1 महीने में चुका दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जायदाद के कागजात और तुम्हारे नेगेटिव यानी तुम्हारी मौत का सामान तुम्हें वापस कर देंगे। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है ये। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती बरखुरदार। खामोशी से दस्तखत कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर इतनी बड़ी रकम? हमने भी तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम दिलवाई है। अबे वो तो मेरी अपनी थी। अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। लो दस्तखत कर दो। लो लो, सोच क्या रहे हो?
शाबाश। अरे लो भाई लो, दस्तखत कर दो। चुपचाप जायदाद के कागजात और वो नेगेटिव मेरे हवाले कर दे। तो गया तुम हमें गोली मारोगे। जब मैं दौलत के लिए अपने उस बाप को मार सकता हूँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो तू क्या चीज़ है भे? हम इन छोटे मोटे खिलौनों से नहीं डरते बरखुरदार। हमें मालूम था कि तुम्हारा गर्म खून तुमसे ऐसी बेवकूफी जरूर करवाएगा। उल्लू के पट्टे, ये पिस्तौल खाली है। हाँ इससे पहले कि हमारे भेड़िये तुम्हें नोच डालें, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर हम तुम्हें एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि जिसके लिए तुम जिंदगी भर तरसते रहे हो। इससे पहले कि इसका बाप एसपी तुम तक पहुंचे, बेहतर है कि इसे फौरन अपना बना लो। शादी की पूरी तैयारियां ऊपर हैं। जाओ, गॉड ब्लेस यू माय सन। चल। शादी तो आज हो गई रहेगी। कोई नहीं, you
मशीन गन को फेंक दे विकी, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई बाप अपनी औलाद को नहीं मारता। देख विकी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, सुधर जा, कर दे अपने आप को कानून के हवाले, फेंक दे इस गन को। तुमने खुद ही तो मुझे कानून से बचाया था, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? नहीं, मैं कहता हूं फेंक दे इसे, वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। हट जाओ। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर विके। मैं कहता हूं हट जाओ। विके! डैड! ये क्या किया तुमने दिलेर? अपने बेटे को अपने हाथ से मार डाला? सेठ जी, बरसों पुराना कर्ज चुका दिया है मैंने, अपनी करनी का प्रायश्चित किया है मैंने। बाबा, चलो ने। जी तरफ बेटे। मुझे विक्की की मौत का बेहद अफसोस है। बाबा, मैं भी तो आप ही का बेटा हूं।